प्यारे बच्चों, मैं आपका ट्यूटर एडुकेटर गाइड मनीष कुमार आज आप लोग के लिए पैनोरामा पार्ट टू अर्थात बिहार बोर्ड के दसम वर्ग के प्रथम अध्याय द पेस फॉर लिविंग अर्थात जीवन की रफ्तार के बारे में चर्चा करेंगे और इस अध्याय को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। द पेस फॉर लिविंग जीवन की रफ्तार का लेखक आर्ची हसिंसन हैं, जिनका जन्म 1907 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1975 को हुई थी। यह एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं। ये ब्रिटिश नॉवलिस्ट, इन्हें 1975 ईस्वी में द राइजिंग नोवेल के लिए बुकर प्राइज के लिए भी नॉमिनेटेड किया गया था। एग्जिबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशूज ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी विथ ऑल इट्स कंट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेस। अपने सभी विरोधाभासों और अंतर विरोधों के साथ समाज के समकालीन संवेदनशील मुद्दों को छूने के लिए एक असाधारण स्वभाव का प्रदर्शन आर्ची हसिंसन ने किए हैं। इन द पेस फॉर लिविंग आर्ची हसिंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। द पेस फॉर लिविंग में आर्ची हसिंसन ने आधुनिक अर्थात वर्तमान मनुष्य की पीड़ा को अच्छी तरह से दर्शाने का प्रयास किया है। ही ब्रिंग्स आउट, उनका बताना या कहना है, हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मेन थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स हर्ट्स द नॉर्मल रिदम, कैसे तीव्र गति पुरुषों वस्तुओं चीज़ों की समान लय को प्रभावित करती है। एंड एग्जर्ट्स अनड्यू प्रेशर ऑन मेन वीमेन एंड चिल्ड्रेन, और पुरुषों महिलाओं और बच्चों पर अनुचित दबाव डालती है। आर्ची हसिंसन का कहना है कि कैसे रफ्तार जो हमारे जीवन में हावी हो गया है सभी वर्गों के लोगों पर, ये क्या करता है, प्रभाव डालकर उसे प्रभावित करता है। वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डू द फॉलोइंग, छोटे समूहों का निर्माण करें और निम्न काम करें। यदि आपको निम्न काम को अंग्रेजी में करने में कठिनाई होती है तो कृपया कर उसे हिंदी में ही करने का अभ्यास करें, धीरे धीरे यह अंग्रेजी में हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टॉक टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से बात करें। एंड सीक देयर ओपिनियन ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ द मॉडर्न यूथ, और युवाओं के आधुनिक जीवन शैली पर उन लोगों से राय लें। आस्क देम, उन लोगों से पूछें। आपको अपने दोस्तों से यह प्रश्न करना है, डू यू फाइंड लाइफ लीजरली और फास्ट, क्या आप जीवन में आराम या तेज गति पाते हैं। दूसरा प्रश्न करना है, आर यू सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू सी टुडे, क्या आप आज जो देखते हैं उससे संतुष्ट हैं। ये दोनों जवाब से आपको आकलन लग जाएगा कि हमारे जीवन में गति का कितना बड़ा प्रभाव है। आई सा ए प्ले इन डबलिन, मैंने डबलिन में एक नाटक देखा। डबलिन क्या है, आयरलैंड की राजधानी है। नॉट लॉन्ग एगो, बहुत पहले नहीं। इन विच, जिसमें द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, जिसके मुख्य पात्र के रूप में एक बुजुर्ग या व्यस्त अनाज व्यापारी था। इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, एक छोटे से आयरिश आइलैंड देश के शहर में, ही वॉज ए मैन ऑफ मैनी एनेक्जिटीज, वह कई चिंताओं का आदमी था। हिज हॉट वॉज डिक्की, उसका दिल कमजोर था। हिज निफ्यू वॉज चीटिंग हिम, उसका भतीजा उसे धोखा दे रहा था या ठग रहा था। अनाज व्यापारी के दुखी होने के दो मेन वजह थे, जिसमें एक था उसके भतीजा का उसे ठगना, दूसरी थी उसकी पत्नी, क्योंकि उसके पास भी एक अच्छा विचार था। हिज वाइफ हैड हैड द फंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 pounds ऑन ए हॉलीडे, क्योंकि उसकी पत्नी को भी छुट्टियों के दिनों में 10 pounds खर्च करने की एक बहुत ही शानदार धारणा थी। यह भी शायद अनाज व्यापारी के लिए क्या था, चिंता का कारण था।
Altogether, the pace of life was getting too much for him. कुल मिलाकर कहा जाए तो जीवन की गति उस अनाज व्यापारी के लिए बहुत ही कठिन हो रही थी. And in a moment of despair, और निराशा के क्षण में, he uttered a great cry from the heart. उसके दिल से एक चीख निकलता है कि ये हमारे जिंदगी में क्या हो रहा है, इतनी जिंदगी हमारी उदासीन कैसे हो गई है. दे टेल मी, अर्थात जो अनाज व्यापारी है वो मुझे बताते हैं कि देयर इज एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज है. नाउ दैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर, जो अब 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है. नाउ डैश टू फास्ट, यहाँ अनाज का व्यापार ये भी कहता है कि जो उसकी रफ्तार है वह बहुत तेज है. अनाज व्यापारी का ऐसा कहना, फॉर मी, मेरे लिए, डैट वॉज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले, यह उस नाटक की सबसे मोहक लाइन थी. द मैंस कंप्लेंट वॉज सो ग्लोरियसली इरिलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशन, उस अनाज व्यापारी की जो शिकायत थी अपने ही स्थिति के लिए बहुत ही अच्छे रूप से वह बेमेल हो रही थी. एंड बिसाइड्स बीइंग कॉमिक, इसके अलावा हास्य व्यंग सा प्रतीत हो रहा था. इट स्ट्रक मी, इसने मुझे चोट किया. एज ए परफेक्ट इलुस्ट्रेशन ऑफ द वे द आयरिश गेट एट सबटल ट्रूथ्स बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज, जिस तरह से सबसे अधिक अप्रभावी दृष्टिकोणों से आयरिश उस तरह से एक आदर्श चित्रण के रूप में सुस्त सत प्राप्त करने का एक सुंदर मार्ग है. उसा, आपने देखा, व्हाट द ओल्ड फूल मीन्ट, कि बूढ़ा मूर्ख का क्या मतलब था. ये सब रफ्तार अत्यधिक होने के कारण जो अनाज व्यापारी था उसके क्या है सोचने विचारने की क्षमता को अत्यधिक रूप से प्रभावित कर दिया था. अब अनाज व्यापारी अपनी मन की बात को कहते हैं. नॉट डैट, ऐसा नहीं है कि आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मोमेंट माई सेल्फ, मैं खुद तेज गति को नापसंद करता हूँ. आगे कहते हैं, आई इंजॉय गोइंग इन ए कार एट 90 माइल्स एन आवर, मुझे एक कार में 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से जाने में मजा आता है. आगे कहते हैं, सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग, जब तक मैं गाड़ी चला रहा हूँ. एंड सो लॉन्ग एज इट इज नॉट माई कार, और जब तक यह मेरी कार नहीं है तब मैं रफ्तार का आनंद और ज़्यादा लेता हूँ. आई एडोर द मशीन्स, मैं उन मशीनों को आदर करता हूँ, पूजा करता हूँ. डैट हर्ल यू अबाउट ए बैटर्सी, जो आपको बैटर्सी के बारे में बताती है. डाइन इन लंदन, लंदन में रात का भोजन करना. एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे, और अगले दिन न्यूयॉर्क में दोपहर का भोजन करना. ये क्या है, रफ्तार का ही जरूरत है, रफ्तार का ही फायदा है. सीम्स टू मी ए मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस, मुझे सबसे संतोषजनक अनुभव इससे लगता है, प्राप्त होता है. आई एडमिट, मैं स्वीकार करता हूँ. इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रैवल, कि यह सभी तरह के यात्रा के आनंद को समाप्त करता है. कहा जाता है कि द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम ए कंट्री वॉस इन समरसेट और स्पेन, जो आनंद आपको समरसेट या स्पेन के एक ग्रामीण बस में मिलती है. बट इट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, लेकिन यह आपको नाटक का एक सतही या छिछला या आंशिक अनुभूति देता है. आगे रफ्तार के बारे में कहा जाता है, इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, यह एक तरह का उत्साह या उत्तेजना था. आवर एंसेस्टर्स हैड टू डू विदाउट, जिसे हमारे पूर्वजों के बिना करना था. एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, और हम बस इसे कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार कर सकते हैं. ये कहा जाता है, नो, नहीं, वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली टू मी इज, जहाँ गति मेरे लिए कुछ प्रतिकूल हो जाती है,
अर्थात कभी कभी ऐसा भी होता है कि गति मेरे इच्छा के विरुद्ध चली जाती है। वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड एज दे नेचुरली डू, जहां हमारे समय की मानसिक सक्रियता का झुकाव स्वाभाविक रूप से होता है। टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन्स, मशीनों की गति का अनुसरण करते हैं। दूसरा भाग में आप इससे आगे की कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।